झांसी की बरुआसागर पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा लगातार अवैध शराब की बिक्री और निर्माण के विरोध जिले के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कार्रवाई में अवैध शराब बनाने वाला केमिकल बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार झांसी जिला अधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा लगातार अवैध शराब की बिक्री और निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश के क्रम में सोमवार को आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर बताए गए स्थान पर दबिश दी है, जहां भारी मात्रा में अवैध रूप से रखा गया शराब बनाने वाला केमिकल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी प्रमोद गोयल, सीओ टहरौली विवेक सिंह के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह, राम आधार पाल, मधुसूदन शुक्ला सहित थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार रावत द्वारा थाना क्षेत्र के ग्राम तेंदौल कबूतरा डेरा के पास मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान टीम को प्लास्टिक के बड़े 21 ड्रम जिसमें लगभग 4000 लीटर अवैध शराब निर्माण करने वाला स्प्रिंट केमिकल का जखीरा बरामद किया गया। मौके पर से जमीन के गड्ढे और एक कच्ची झोपड़ी में उक्त अवैध केमिकल को छुपा कर रखा गया था। साथ ही मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मौके पर सहायक आबकारी आयुक्त प्रमोद मौर्य, के एस त्यागी सहित अन्य पुलिस बल और आबकारी स्टाफ भी मौजूद रहा। आप सभी सादर अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवैध अमान पदार्थों द्वारा अवैध और शराब के बनाने वालों और उनके बेचने वालों के खिलाफ अभियान चल रहा है। उसी अभियान के आलोक में ईडी जोन कानपुर सर और डीआईजी सर रेंज झांसी के मार्गदर्शन में और एसएसपी झांसी सर के मार्ग के निर्देशन में ये अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जगह जगह मादक पदार्थ बेचने वालों और उनके ट्रांसपोर्ट करने वालों बनाने का कार्रवाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि तंदौल गांव में अवैध शराब बनाई जा रही है, इकट्ठा वहाँ पर इकट्ठा है। इसी मुखबिर की सूचना पर हमारा बरुआसागर पुलिस और आबकारी पुलिस मौके पर पहुँची। वहाँ पर कैलाश कुशवाहा, मिला और रूपा कबूतरी, इनके निशानदेही पर 21 ड्रम रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 30 से 35 लाख रुपया है। ये रेक्टिफाइड स्प्रिट शराब बनाने काम आता है। इसमें और लोग, तीन लोग हैं, अखिलेश है, प्रदीप है और मिथुन के भागे में, उनसे गिरफ्तार की जल्दी कार्रवाई की जाएगी। सर, झांसी में कई जगह शराब बिक रही है, उसको रोकने के लिए सर क्या कड़े कदम उठाए जाएंगे? हाँ, इसमें अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। जगह दबिश डाली जा रही है, उसी दबिश का परिणाम है, अभियान का परिणाम है कि आज इतनी बड़ी मात्रा में ये बरामदगी हुई है। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास है और तरह से रहा है आपराधिक इसके बारे में, और इनकी संपत्ति जो अवैध अपराध करके जो संपत्ति उन्होंने प्राप्त किया है, अर्जित किया है, उसमें कार्रवाई की जा रही है। बरुआसागर से आनंद मोदी की रिपोर्ट।